हाँ इस वीडियो में ना जैसे ना तुम्हें ऊपर ऊपर से बताऊंगा कि क्या क्या काम करने होते हैं। चलो नहीं आती गाड़ी चलाने तो तुम क्यों ले लेते हो इतने बड़े बड़े। मैं इधर पैसे डाल दूंगा ना और यहाँ से मैंगो उठा लूंगा जितने भी मैंने पैसे डाले होंगे। हाँ तो भाई लोग कैसे हो सारे, जय बोले, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। हाँ तो ये वीडियो है पार्ट 3 ऑफ द सीरीज, ठीक है। गर्मी ज़्यादा हो रही है तो पार्ट 3 में, पार्ट 1 हो गया, 2 भी हो गया, 3 आएगा। अब पार्ट 3 में है कि मतलब कि जैसे तुम वहाँ से, तुम्हें बता दिए तुम्हें क्या क्या करना है, अब तुम इधर पहुँच गए हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मतलब कि जैसे इस पार्ट वीडियो को बोल सकते हैं जैसे व्हाट टू डू आफ्टर यू अराइव इन ऑस्ट्रेलिया, या फिर व्हाट टू डू ऑन द फर्स्ट डे, जो भी तुम बोलना चाहो, ठीक है, आफ्टर मैच जो भी है। तो नोट्स कहाँ हैं, इस बार मैं स्पेशली तुम्हारे लिए नोट्स लेके आ रहा हूँ। डेडिकेशन देख रहे हो, पहले ना टाउन से बाहर निकल जाता हूँ। कबिलो रैमदा शौकी। अच्छा वीडियो 3। हाँ इस वीडियो में ना जैसे ना तुम्हें ऊपर ऊपर से बताऊंगा कि क्या क्या काम करने होते हैं, तो अगर मुझे लगेगा किसी टॉपिक पे इन डेप्थ जाना है तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा एक, ठीक है। पर अभी तक ऊपर ऊपर से तुम्हें बताऊंगा कि क्या 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 काम है। तो सबसे पहले तुम लैंड करोगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर तुमने पहले ही किसी को बोला हुआ, जैसे किसी का कोई है तो वो पहले तुम्हें लेने आ जाएगा, वो तुम सॉर्ट कर लेना, वाईफाई आ जाएगा, कॉल कर लेना एयरपोर्ट पे, ठीक है। अगर जिसका नहीं है उसको बोला हुआ है कि यूनी से बात करो, एयरपोर्ट ट्रांसफर पे बात करो कि मैं एयरपोर्ट पे आ रहा हूँ, मुझे पिकअप करने आ जाओ, या ये कर लो वो, यूनी वालों से बात करो, या किसी ने कहीं पे बाहर अकोमोडेशन लिया तो उससे, ओनर से बात करो कि मुझे आना है नहीं है। अगर नहीं है, कुछ जुगाड़ नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं बन रहा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो तुम, ठीक है। यहाँ तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट देख लो, एक ऑप्शन तुम्हारे पास ये है। वैसे ना हर एयरपोर्ट पे ना एक एयर ट्रेन जाती है, डिफरेंट सब जाती है एयर ट्रेन। तुम खज्जल हो गए पहले दिन, तुम्हें कुछ नहीं लगेगा पता, तो वो कर लो, या तो टैक्सी में बैठ जाओ, टैक्सी वाले को बोलो एड्रेस ये है, चल जाओ, ठीक है, सॉर्टेड हो गया सिस्टम। फिर उसके बाद ऑब्वियसली बात है, अब तुम घर पे फोन कर लो, ठीक है, कि हाँ मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है, ये वो जो भी है, ठीक है, जो भी घर पे बात करनी है बात कर लो। घर वाले चिंता करते हैं, वो भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा गया तो कहाँ पे है, उनको एक बार सहूलियत दे दो कि हाँ मैं सही सलामत एक पीस में पहुंच गया हूँ, तो ठीक है। क्योंकि अब तुम्हारा यही है कि अब तुम फैमिली से दूर रहोगे, दूर ही हो अब पता नहीं कब जाओगे वापस, तो फ्रेंड्स बनाओ, मतलब अब जो साथ में दोस्त वगैरह होंगे वही सहारा है एक, और वही तुम्हारे काम आएंगे बाद में, ठीक है। फिर तुम पहुँच गए, रेस्ट वेस्ट कर लो जो भी करनी है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं भी गया था, फर्स्ट डे सबसे पहले काम किया था, मुझे सिम लेनी थी, सिम कार्ड लेना था, ठीक है। तो अपना जाओ पासपोर्ट लेके, तुम इस पासपोर्ट पे सिम कार्ड दे देंगे, सिंपल एज दैट। अब मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि इस कंपनी का सिम कार्ड लो, ये वो लो वो, तुम अब जो भी बंदा वीडियो देख रहा है वो मैं अज्यूम करूंगा कि वो इतना समझदार है कि वो गूगल चलाना आता है, उसको इंटरनेट चलाना आता है, वो सर्च कर लेगा सिम कार्ड डिफरेंट प्लान, वो सर्च कर लेगा। मैं तुम्हें प्लान बताने थोड़ी बैठूंगा इधर कि हाँ इसमें इतना मिलता है, इसमें इतना मिलता है, वो तुम अपनी रिसर्च कर लो भाई, ठीक है, सीधी सी बात है। ये वीडियो तो तुम्हारे लिए, मतलब कि तुम्हें एक किक स्टार्ट देने के लिए, ठीक है, बाकी रिसर्च तो तुम्हें खुद ही करनी है। जो मुश्किल होगा टॉपिक जैसे मैंने बोला, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जैसे मैं गया था, मैंने भी सिम कार्ड उठा ली थी $2 वाली, उस पर रिचार्ज हो जाता है, अब स्टार्टिंग के लिए वो यूज़ कर लो, बाद में जब तुम्हें प्लान मिलेगा तो प्लान तुम यूज़ कर लेना, ले लेना बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है, अब सिम कार्ड आ गया, अब पैसा लेके आए हो तुम साथ में, तो डिपॉजिट तो करना पड़ेगा, पैसे लेके थोड़ी घूमोगे, तो बैंक अकाउंट एक खुलवा लो, कोई भी बैंक चल जाओ, ठीक है, वहाँ पे जाओ पासपोर्ट लेके, मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है, वो तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलवा देंगे, सिंपल एज दैट। बैंक अकाउंट खुल गया, सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद क्या है, जो भी तुम काम कराने जा रहे हो ना, अब तुम इतने समझदार हो गए कि एक डॉक्यूमेंट वाली फाइल लेके आओगे, ठीक है, उस फाइल में एक सारे डॉक्यूमेंट होंगे तुम्हारे A to Z, तुम वो फाइल लेके आओगे। तो फिर उसके बाद तुम, भाई मैंने यार गलत रोड तो नहीं, मरुचि डोर जाना था मुझे, मैं कहाँ जा रहा हूँ उधर, क्या यार, तो ही मैं सोच रहा था मैंने रास्ता तो मैंने गलत ले लिया, क्योंकि मुझे इस रास्ते की आदत पड़ी, पहले मैं घर जाता था तो मैं ये वाला रास्ता लेके जाता था, अब मैं मरुचि डोर जिम जा रहा हूँ तो मुझे पीछे से टर्न लेना पड़ता है, मैं वही सोच रहा हूँ मैंने रास्ता गलत ले लिया। हाँ चलो कोई नहीं, ज़्यादा दूर नहीं आया था यू टर्न लेने,
बैक टू द टॉपिक। तो डॉक्यूमेंट वाली फाइल पे पहुंचा मैं। हाँ, डॉक्यूमेंट वाली फाइल तुम सारी जगह ले जाया करो, कोई भी डॉक्यूमेंट कभी भी यूज हो सकता है, ठीक है। फिर तुम जाओगे वापस घर, फिर डॉक्यूमेंट लेके आओगे, एफिशिएंट नहीं है, सीधी सी बात है। उसके बाद अब देखो, तुमने इधर, अब तुम्हारे पास गाड़ी शाड़ी तो है नहीं, ठीक है, या तुम्हारे पास कोई, अगर तुम्हारा दोस्त भी है कोई, तो वो बेला थोड़ी है कि तुम्हें घुमाता रहे इधर उधर। हाँ, अगर उसके पास छुट्टी है तो कोई चक्कर नहीं, वो कर सकते इतनी हेल्प, पर हर बार थोड़ी करेगा, उसका भी काम होगा दूसरे बंदे का। तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जैसे ट्रेन स्टेशन में मिल जाता है वो कार्ड यार, ट्रांसपोर्ट वाला कार्ड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाला कार्ड मिल जाता है, वो ले लो एक, $5-10 का आता है, उसमें टॉप अप करा लो, वहाँ पे मारना है ऐसे करके, टैप करना है वो, और सारी जगह चलेगा, ट्रेन में, बस में, क्रूज, वो शिप में चलता है, शिप नहीं होती है यार, क्या बोलते हैं उसको, फेरी में। और फिर उसके बाद तुम अगले दिन जाओ, जो भी अगला वर्किंग डे है, यूनि में गेड़ा मार के आओ एक। अब तुम्हें 2-3 साल यहाँ यूनि में पढ़ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा ब्लॉक कहाँ है, कौन सा क्या है, ऐसे गेड़ा मार आओ यूनि में। स्टूडेंट सेंट्रल होती है एक सर्विस स्टूडेंट्स के लिए, जो होती है कि मतलब क्या देख के रही है, मेरी बारी है पहले, तो मैं ही जाऊँगा। स्टूडेंट सेंट्रल होती है एक सर्विस स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें जैसे ऑफिस होता है, वहाँ पे हर यूनि में होता है ये, वहाँ पे तुम जाओ, वहाँ पे तुम बोलो कि मैं नया नया आ गया हूँ, हम पधार चुके हैं, तो राजा साहब आ गए हैं, पधार चुके हैं, उनको बता दो, ठीक है, और फिर वो उनको बोलो कि मुझे एक्सप्लेन करो सब कुछ, क्या क्या सिस्टम है, वो तुम्हें सब कुछ A to Z बता देंगे, ठीक है। और फिर तुम इधर उधर गेड़ा मार रहा हो यूनि में, क्या है, कौन सी क्लास है, लाइब्रेरी कैसी है। मैं तो चल जाता था गेड़ा मारने, ब्लॉक श्लोक में लोगों से बात कर लो, हाँ कोई ना कोई मिल ही जाता है, बात कर लो किसी से, और जो बंदा है दोस्त तो बनाने ही पड़ेंगे तुम्हें, नहीं तो तुम कैसे सरवाइव करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जैसे आता है, एक ना ID होती है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, वैसे ही ID होती है, पर अब तुम ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं स्ट्रेट अवे बना सकते हो, तो उसकी तरह ही एक ID होती है, उसको बोलते हैं फोटो ID कार्ड। तो वो बनता है ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाके, तो जो भी तुम्हारी हर स्टेट का अलग अलग हिसाब होता है, जो भी तुम्हारा ट्रांसपोर्ट और नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाओ, वहाँ उनके पास जाओ, बोलो मुझे फ़ोटो ID बनाना है, फ़ोटो ID कार्ड, वो तुम्हें डिटेल बता देंगे भाई, डिटेल क्या, उन्होंने तुमसे डॉक्यूमेंट मांगने हैं, पासपोर्ट मांगना है, और तुम्हारे बैंक कार्ड मांगेंगे, तो ये तुम्हारा काम तभी होगा जब तुम्हारे पास बैंक कार्ड है, तो जब भी आता है तब कर लो। फिर उसके बाद $50-60-70 लेंगे, जो भी लेंगे, मुझे नहीं पता भाई, मुझे आइडिया नहीं है अब कितना है, वैसे महंगाई ज़्यादा हो रही है, तो क्या पता प्राइस डबल हो गया, मुझे नहीं आइडिया, वो तो अब देने ही पड़ेंगे, रो के दो या हंस के दो, देनी तो पड़ेगी पैसे। फिर उसके बाद एक और काम करना है सबसे पहले, अब तुम जैसे जॉब करनी है तुम्हें, तो जैसे इंडिया में नहीं होता यार पैन कार्ड इनकम टैक्स के लिए, अब उसका हिसाब मुझे पता नहीं है, चलो पैन कार्ड होता है उस इनकम टैक्स के लिए होता होगा, तो जॉब में यूज़ होता है, यहाँ पे पैन कार्ड तो नहीं होता, बट उसकी तरह होता है, TFN होता है, टैक्स फाइल नंबर, तो जैसे पैन कार्ड भी टैक्स के लिए यूज़ होता है, तो सेम ही मेरे हिसाब से तो सेम ही बात है, ठीक है। तो टैक्स फाइल नंबर से ये होता है कि उससे मतलब जब तुम जॉब लगती है ना, तुम्हें वो चाहिए होता है ताकि तुम्हारी पे आ सके, तुम सरकार पहले देख लो अपना जुगाड़ कर लेती है कि टैक्स फाइल नंबर नहीं है तुम्हारे पास तो तुम जॉब ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी तो अपना टैक्स लेना है, तुम्हारी जेब से पैसा लेंगे वो, बहुत चालू है सरकार। तो TFN अप्लाई कर लो। और एक और होता है, जैसे TFN होता है जो आवरली रेट में पैसा मिलता है, जैसे $25-30 मिलते हैं उन जॉब्स के लिए होता है। एक होता है ABN, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, ठीक है, तो वो होता है जैसे कि जिसमें तुमने आवरली रेट नहीं मिलता, जैसे मेरी टैक्सी की जॉब थी तो वो ABN भी होती है, क्योंकि मुझे उसमें आवरली रेट नहीं मिलता, उसमें तो जो मीटर पर बनाऊँगा वो मुझे मिलेंगे, तो अगर मैंने 1 घंटे में कुछ भी नहीं बनाया तो मेरे उसमें और आवर्स में काउंट होते हैं, मेन फ़ायदा ही होता है। तो ABN में थोड़ा स्टूडेंट के लिए जुगाड़ उगाड़ बन जाता है ज़्यादा काम करने के लिए। और जैसे टैक्स फाइल नंबर तुमने अप्लाई करना, तो TFN तो फ्री है, ABN भी फ्री है, पर TFN तो तुम घर से ही कर सकते हो। TFN सच मानो, TFN अप्लाई, ATO की वेबसाइट आएगी, ATO ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस, उसकी वो आएगी, लिंक आ जाएगा, वहाँ पे अप्लाई कर देना, कोई पैसे पूसे वाला होगा तो वहाँ नहीं जाना है। हाँ, और ABN का ही होता है, ABN के तुम सर्च मारोगे ABN अप्लाई, तो उसकी वेबसाइट है ABR, वो भी फ्री होता है, पर कई बार होता है यार उसमें थोड़ा ABN थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो तुम नए नए आए, शायद जिसने अप्लाई किया होगा उससे पूछ लेना, कोई यार दोस्त होगा वो करवा देगा, पर आजकल शायद उन्होंने चेंज कर दिया, शायद नहीं मिल रहा है, पर मिल जाएगा अगर तुम अकाउंटेंट के पास जाओगे, वो $60-70-80 लेगा जो भी लेना है उसने। और जैसे फिर तुमने रेज्यूमे, तुम्हें पिछले जॉब में बोला रेज्यूमे बना गया, उसको यहाँ पे जाके फिल आउट करो, ठीक है, जो भी करना है फिल आउट करो, और जॉब अप्लाई करना शुरू कर दो भाई। अब
ये जॉब अप्लाई वाला सिस्टम लोग अलग डिफरेंट सिनारी वाले लोगों के लिए डिफरेंट लगेगा। अब जिसका पीछे जो लोन शोन लेके आया उसको तो जॉब सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसको तो ढूंढनी है जल्द से जल्द। तो अभी अप्लाई करोगे तभी अगले 2 हफ्तों में मिलेगी, 3 हफ्ते में मिलेगी, समझ रहे हो। तो और जैसे अगर तुम अगर कोई यहाँ पे ब्रिस्बेन विजबेन आ रहा है क्वींसलैंड वगैरह में तो मुझे मैसेज वैसेज कर लो, जॉब लगवा देंगे, कोई चक्कर नहीं है। बहुत लिंक है अपने, इतना अब 4 साल हो गए मुझे तो, इतना तो है ही है कि भाई कि, मतलब मेरे पास कोई भी आता है तो मैं मदद कर देता हूँ, मैं कर सकता हूँ भाई मदद तो मैं कर देता हूँ दूसरे बंदे, क्योंकि कल को हम भी उसी पोजीशन में थे, समझ रहे हो ना। तो हमें पता है कि कैसा होता है उस पोजीशन में, तो हम मदद कर देते हैं, हम कर सकते हैं। और क्या नेक्स्ट, हाँ और एक और डिलीवरी जॉब्स, अब जैसे ऊबर शूबर हो गया तो उसके लिए भी अप्लाई कर दो तुम, ऐप शैप पे ईजी है वो तो, और उसके लिए तुम्हें व्हीकल वगैरह चाहिए। तो जैसे साइकिल, अगर सिटी में आया कोई तो साइकिल पे भी होता है, इलेक्ट्रिक साइकिल ले लो या गाड़ी रेंट पे ले लो, रेंट पे थोड़ी सस्ती मिल जाती है, पर अब तुम नए नए आए हो तुम्हें गाड़ी चलाना विलाना तुम ले लोगे तो तुम सीख भी जाओगे थोड़ा ध्यान से ज़्यादा, मतलब क्योंकि रूल्स वूल यहाँ पे सारे फॉलो करते हैं, पुलिस वाले रोक लेंगे तो बस फिर बोल लेंगे तो कुछ, पर तो अगर तुम्हें नहीं लगेगा पता फिर तुम क्या करोगे, समझ रहे हो ना। तो इसलिए वो थोड़ा केयरफुल होके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात सबसे इम्पोर्टेंट बात तो नहीं है पर एक है ही इम्पोर्टेंट, मतलब जैसे अब लोग आते हैं आईफोन ले लेते हैं यहाँ पे आके, मैंने लिया था भाई, मैंने लिया था डेढ़ साल बाद लिया था मैंने, वो भी सेकंड हैंड लिया था मैंने, क्योंकि तब मेरा फ़ोन बंद हो गया था इसलिए मैंने लिया था, मुझे कोई शौक नहीं था, मुझे भी शौक तो था, पर अब देखो इनकम इन नहीं आ रही है और तुम पहले ही प्लान ला रहे हो कि मनी इन नहीं हो रही है, मनी आउट जाने का तुम पहले ही प्लान बना रहे हो, तो कैसे बैलेंस होगा, समझो बैलेंस बनाना पड़ता है। तो पहले मनी इन का जुगाड़ करो फिर मनी आउट का सोचो, समझ रहे हो। तो जैसे अगर तुम प्लान पे तो मिल जाता है, जैसे 60-70-80 डॉलर का प्लान जो भी मिल गया, प्लान मिल जाता है तुम ले लो, पर फिर तुम महीना महीना 3 साल भरते रहो उस फ़ोन को महीना महीना, समझ रहे हो। ओ मैं जैसे मैंने लिया था नया फ़ोन तो मैंने फिर सीधे कैश दे के मैं ले लिया, मैं प्लान स्लान लेता हूँ, खज्जल खाना बहुत खज्जल रहता है। नेक्स्ट भाई ये थोड़ा डेंजरस है, वैसे फ़ोन भी चला रहा हूँ, देख रहे हो तुम्हारे लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, फ़ोन चलाते टाइम गाड़ी तो अपनी सेफ्टी में खतरे में डाल रहा हूँ, पर से पुलिस वालों ने देख लिया तो $1,000 $1,163 फाइन है फ़ोन चलाने का, प्लस चार पॉइंट वापस आने में 4 साल लगते हैं। और मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात बता क्या है तुम्हें, अब तुम काम करना शुरू हो जाओगे और तुम्हें स्टडी भी करनी है, तो एक ना वर्क स्टडी बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वर्क स्टडी बैलेंस। अब तुम ये नहीं सोच सकते कि मैं बेला बैठा हूँ, मैं इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, स्क्रॉल कर लेता हूँ, क्या टाइम किसके पास है भाई, टाइम ही नहीं है हमारे पास, और 100 काम होंगे करने के लिए। और जैसे ना पता क्या होता है, नया नया बंदे के पास पैसा आता ना तो बंदा सोचता है अच्छा मैं क्या लूँ। मैं भी ऐसे भाई, मैं तुम्हें जो भी बातें बताता हूँ ना वो मैंने खुद एक्सपीरियंस की होती है इसलिए मैं बोलता हूँ आगे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ, समझ रहे हो। अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं कौन, मेरे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ, ये शलर हूँ एक तो ना, अरे ये हाँ समझ रहे हो। मुझे भी याद था नया नया पैसा, अच्छा मैं कहा क्या लूँ, पर मैं खर्चता नहीं था क्योंकि मुझे पता था मुझे यूनि की फीस देनी है, और मुझे अब गाड़ी भी, अब नए नए आए तो खर्चा भी गाड़ी भी लेनी होती है, मुझे गाड़ी लेनी थी सबसे पहले, क्योंकि गाड़ी मैंने गाय से गाड़ी ली तो मैं ऊबर भी कर सकता था, बहुत काम कर सकते तुम, और तुम्हारे लिए ईजी होता है, टाइम बचता है, ये वो क्या कर रहा है सालों, नहीं आती गाड़ी चलाने तो तुम क्यों ले लेते हो इतने बड़े बड़े टाले जैसे। तो अपना जो पैसा है जो अब तो, और तुम्हें पता लगेगी मेहनत के पैसे का क्या होता है, मतलब जैसे समझ रहे हो, मतलब मेहनत के पैसे जब बंदा अपनी मेहनत की होती है ना, इंडिया में तो जैसे तुम घर वालों के पैसे तो उड़ा देता बंदा, नहीं सोचता, समझ रहे हो। अब तुम इधर आओगे तुम सोचोगे अच्छा मुझे $15 का पिज़्ज़ा खाना है, खाऊं कि नहीं खाऊं, $10 का ये लेना है, लूँ कि नहीं लूँ, बहुत सोचता बंदा जब अपनी जेब अपना मेहनत से पैसा कमाने लग पड़ता ना। तो यही है यार इस वीडियो के लिए, अपना मेन बात मैं ये बोलूँगा कि वर्क स्टडी जो तुम्हारी वर्क और स्टडी का बैलेंस है ना वो मेंटेन होना चाहिए। अब तुम नए नए आए हो तो तुम्हें यह भी होगा हाँ मैं घूमा नहीं कहीं, मैं ये नहीं किया, जब तुम जा रहे हो, मैं बोला तो है भाई वो ट्रांसपोर्ट वाला कार्ड आता है ना, ठीक है अपना फ़ोन करो चार्ज और पकड़ो बस और चल जाओ,
कार्ड लेके, ठीक है। तुम मैप तुम्हें पर मैप चलाना आना चाहिए। अब निकल जाओ, जैसे सिटी में कोई तो आज ये बस ले ली, चल आज इधर गेड़ा मार के आते हैं, क्या करना है क्या नहीं। अकेला बंदा जो अब कोई और बंदा है उसको जानता तो वो तुम्हें ले जाएगा। लोकल ऑर्गेनिक मैंगो लोकल ऑर्गेनिक मैंगो खाएंगे भाई। ना उस दिन ना मैंने पता क्या किया, मैंने ना वूलिस गया ना, $7.50 का मैंगो लिया, $7.50 का मतलब कोई ₹400 का, $7.50 का मैंगो लिया आम। मैंने सोचा कि अच्छा होगा क्योंकि मिलता तो तीन चार वाला भी है, पर वो मज़ा नहीं है, वो स्वाद नहीं आया। वो एक होता ना आम का स्वाद, तो देखने पड़ेगा यहाँ पे, देखो देखना पड़ेगा कितने का। अच्छा ये लिखा है $4 ईच, वो ये लग रहे हैं ना असली वाले जो जैसे घर में मिलते हैं। भाई यार गोप्रो साथ छोड़ गया था, अब मेरे पास इधर ठंड पड़ी थी। कौन से वाले लेने हैं? $2 ईच। पैसे कितने पहले वो गिनने? मैं कदर क्या करूँगा, मैं इधर पैसे डाल दूंगा ना और यहाँ से मैंगो उठा लूँगा जितने मैंने पैसे डाले होंगे। हाँ तो भाई लोग मैंने उठा लिए थे आम, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता। जैसे ना किसी के फार्म वगैरह में लगाए होते किसी ने मैंगो, तो ऐसे बना देते हैं रिसोर्ट के साइड में और प्राइस लगा देते हैं कि इतना प्राइस, इतने पैसे डाल दो और ले जाओ। यहाँ पे अब वो हिसाब थोड़ी है कि हाँ कोई बंदा ऐसे ले जाएगा, मैं भी ले गया तो मैं भी पैसे डाल के आया वहाँ पे। ऐसे यहाँ पे ट्रस्ट पे चलता है, तो ऐसे नहीं कि हाँ उठा लिए और चलो, ऐसे कोई नहीं करता यहाँ पे। तो इस वीडियो के लिए यही था, अब तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।